हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एंड टॉपिक ये है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया जाए तो वो वैलिड होगा कि नहीं। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर चर्चा होगी। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया में टू टाइप की यूनिवर्सिटी रन करती है, एक आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेकेंड आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और आप जानना चाहते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी देखा जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बीच की स्थिति पर होती है, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही होती है, लेकिन उसको डीम्ड यानी कि मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाता है। किसके द्वारा? UGC के द्वारा। और इसको मानित का दर्जा प्राप्त होने के नाते इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरह इसको कुछ देखा जाए प्रिविलेज यानी कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। और ये विशेषाधिकार प्राप्त होने के बाद यूनिवर्सिटी अपने पाठ्यक्रम खुद तय कर सकती है, प्रवेश प्रक्रिया अपने खुद संचालित करेगी, फीस इत्यादि खुद तय करेगी, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि खुद निर्धारित करेगी और साथ में स्वयं डिग्री भी प्रदान कर सकती है। तो जो विश्वविद्यालय प्राइवेट होते हैं और डीम्ड 2B का उसको दर्जा मिल जाता है तो वो विश्वविद्यालय अपने फील्ड में कम से कम 20 वर्ष पहले स्थापित हुए होते हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन अपने क्षेत्र में करते हुए चले आते हैं और NEC के द्वारा लगातार 3 से 5 वर्ष से टॉप स्कोर प्राप्त करते हुए रहते हैं और इंडिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है होती है उसमें अगर ये आते हैं तो वो विश्वविद्यालय जो प्राइवेट होते हैं उसको डीम्ड 2B का दर्जा दिया जाता है। और डीम्ड 2B का दर्जा जो देता है वो होता है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। डीम्ड का दर्जा देता है प्राइवेट विश्वविद्यालय को और ये होता है UGC के अधिनियम 56 की धारा 3 के तहत डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है प्राइवेट विश्वविद्यालयों को। तो अब आपको पता चल गया होगा कि डीम्ड 2B यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, लेकिन इसको क्या होता है, प्रिविलेज मिलता है, ऑटोनॉमी मिलता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरह। तो अगर आप यहाँ से PhD करते हैं तो 100% वैलिड होगा, फेलोशिप इत्यादि आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ फीस इसका महंगा रहेगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ फीस नहीं लगने वाली है, इसकी फी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह ही रहेगी। ओके, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।